नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बेटी सोनाक्षी और दामाद के साथ कपिल शो में पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा। जहीर बोले, मुझे लगा फैमिली। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने इसी साल जून के महीने में जहीर इकबाल से शादी रचाई है। सोनाक्षी की शादी के वक्त खबरें आ रही थी कि सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा शादी से खुश नहीं है। हालांकि बेटी की शादी में शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम दोनों ने हिस्सा लिया था। अब द ग्रेट इंडियन कपिल शो में शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा अपनी बेटी और दामाद के साथ पहुंचे। शो का नया प्रोमो रिलीज किया है। प्रोमो में सिन्हा परिवार के बीच हंसी मजाक के पल देखने को मिले हैं। कपिल शो में पहुंचेगा सिन्हा परिवार। नेटफ्लिक्स इंडिया पर शो का प्रोमो पोस्ट किया गया है। प्रोमो के साथ कैप्शन लिखा गया, सबको खामोश करने आ रहे हैं द सिन्हाज। सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल, शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा को द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए एपिसोड में देखें। शो का जो प्रोमो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि सोनाक्षी कहती हैं कि अगर किसी को शादी करनी है तो कपिल शो में आकर कपिल को भैया बुलाओ। उसके बाद सोनाक्षी जहीर और कपिल को मिलाती हैं। सोनाक्षी कपिल को भैया कहकर बुलाती हैं और कहती हैं मेरे सैया से मिलो। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा एक किस्सा सुनाते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने उनसे कहा था कि देखो बेटे, तू फिल्म इंडस्ट्री से आया है, तेरी बहुत कुड़ियाँ दीवानी होंगी, हमेशा एक वक्त पर एक महिला के साथ ही रहना। इसके बाद जहीर कहते हैं कि मुझे लगा कि ये फैमिली एपिसोड होगा, ये हो क्या रहा है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी 23 जून 2024 में हुई थी। सोनाक्षी और जहीर शादी के बाद से अपने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं। दोनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। सोनाक्षी और जहीर की शादी के रिसेप्शन में बॉलीवुड की तमाम हस्तियां पहुंची थी। उनके दोस्त हनी सिंह भी इस इवेंट का हिस्सा बने थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।